अभी जो अभियान चलाएगा, जो अपने इंस्टीट्यूटर्स थे या लैंडमार्क थे जो भी थे, 12,000 के करीब इंस्टीट्यूटर और उनको पकड़ा गया एक साथ में। टूटो के ज्ञापन सांपन में 32,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, पाबंद किया गया। इस प्रकार से मैसेज गया है पब्लिक के अंदर भी, अच्छा अभियान चला है, उसका असर है। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति राजस्थान बहुत अच्छी है। चुनाव आ रहे हैं तो हमें एक बात की चिंता है जिसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे जो सांप्रदायिक तत्व। हम चाहेंगे राजस्थान स्टेट शांति सद्भाव का प्रति बना रहे, सभी जाति सभी धर्म के लोग भयमुक्त रहे और उनमें एक बार काम रहे, कोई तरह की घटना नहीं हो, कोई तरह तनाव नहीं हो। ये हमने घर की चर्चा करी है। राजनीतिक पार्टियां जो है, जो मुख्य रूप से तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, उनका एजेंडा जो जिसमें आकर देश के अंदर सामने आ रहा है, हम चाहेंगे कि राजस्थान उसको ध्यान रखे, राजस्थान प्रदेशवासी भी, और हम सब चाहेंगे मिलकर के राजस्थान में शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत बना रहे। तो जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो माफिया किस्म के लोग हैं उनको विशेष हमने अभियान चला करके अभी पकड़ा दिया है, आगे भी ऐसे अभियान चलते जाएंगे। हमने देखिए, आप हमने खुद ने कहा है, आज के ही मेंबर था, एक व्यू बना कि आप रिटायरमेंट ले जाओ, इसके बदले उसके बाद में अरेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा क्यों, आज भी मेंबर रहते अरेस्ट करो, कोई बदलाने की बात नहीं है, सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई का दुनिया में कोई विकल्प नहीं होता है, सच्चाई ईश्वर है, गांधी जी ने कहा था, हम तो बिलीव करते हैं। हमने कहा उनको मेंबर रहते अरेस्ट करो, एसओजी ने अरेस्ट किया उनको। और इस प्रकार से चुनाव के मौके पर आप ईडी को लेकर बताते हो, हम लोग डरने वाले नहीं है, ईडी अपना काम करे, जो केंद्रीय एजेंसी है, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, एनआईए हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने उस पर मीटिंग भी कहा है, पूरा हमारी पूरी प्रशासन उनको सहयोग करेगी। और दूसरा संजीवनी घोटाले वाली बात आती है, तो हम ईडी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, ईडी जो है संपत्ति जब्त कर सकती है। ईडी को बार बार लिखा जा रहा है कि आप संजीवनी घोटाले में जो संपत्ति उनके पास है खुलफुट नहीं करे, उसके पहले आप जो है इनका अटैच कर लीजिए, इनको बेच दीजिए। 900 करोड़ रुपए का जो 2-2.5 लाख लोग हैं जिनको विजय पहले डूब गया है, उनको पहले वापस मिले।